ब्यूरो चीफ करनाल तिलकराज बंसल विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर इंडिया डेंटल एसोसिएशन ने राहगीरी में दिया जनता को संदेश। बच्चों व आमजन को शपथ भी दिलाई। आज इंडियन डेंटल एसोसिएशन की तरफ से विश्व तंबाकू निषेध सप्ताह के मौके पर राहगीरी कार्यक्रम में बड़ा संदेश दिया गया। करनाल के वरिष्ठ दांत चिकित्सक व IDA के जिला प्रधान डॉक्टर विपुल भाटिया ने कहा कि हमारा संगठन समय समय पर तंबाकू सेवन के विरुद्ध कैंप लगाकर लोगों को इस संबंध में जागरूक करता है। डॉक्टर विपुल भाटिया ने राहगीरी के कार्यक्रम में मौजूद सैकड़ों लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि तंबाकू के इस्तेमाल के द्वारा होने वाले सभी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए WHO और इसके सदस्य राज्यों सहित गैर सरकारी और सरकारी संगठनों के द्वारा हर वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस आयोजित किया जाता है। कुछ क्रियाकलाप इस दिन को मनाने के लिए किया जाता है, वो है सार्वजनिक मार्च, प्रदर्शनी कार्यक्रम, बड़े बैनर लगाना, शिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से विज्ञापन अभियान, धूम्रपान रोकने और छोड़ने के लिए आम जनता से सीधा संवाद, शामिल अभियानकर्ताओं के लिए सभा आयोजित करना, मार्च, लोगों के बीच बहस, तंबाकू निषेध क्रियाकलाप, लोक कला, स्वास्थ्य कैंप, रैली और परेड, खास क्षेत्रों में तंबाकू को प्रतिबंधित करने के लिए नए कानूनों को लागू करना और भी बहुत सारी गतिविधियां हो सकती हैं जो देश को तंबाकू मुक्त बनाने में सहायक होंगी। उन्होंने कहा कि इंडियन डेंटल एसोसिएशन की तरफ से आगामी सप्ताह में कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिसमें हम युवा पीढ़ी को तंबाकू से होने वाले शारीरिक नुकसान की जानकारी देंगे। उनके साथ सेक्टर 12 स्थित राहगीरी कार्यक्रम में पहुंचे डॉक्टर अनूप जैन ने कहा कि तंबाकू का सेवन मतलब अपने परिवार और अपने शरीर के लिए खतरा पैदा करना है। उन्होंने कहा कि शोक में कई शुरुआत हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है जो कि हमें नुकसान पहुंचाने के बाद ही खत्म होता है। अंत में IDA के जिलाध्यक्ष डॉक्टर विपुल भाटिया ने राहगीरी में मौजूद लोगों व बच्चों को शपथ दिलाई कि वो ना तो तंबाकू का सेवन करेंगे और ना ही अपने परिवार में किसी को करने देंगे। उनके बाद नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी धीरज कुमार और करनाल पुलिस प्रशासन की ओर से मौजूद सुरेश पुनिया ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के इस प्रयास की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी। उसके बाद राहगीरी कार्यक्रम का स्टेज संचालन कर रहे डॉक्टर वी सिंह, डॉक्टर वीर सिंह, डॉक्टर राजन लांबा, अधिवक्ता पलविंदर सिंह और डॉक्टर पवन ने IDA के जिलाध्यक्ष डॉक्टर विपुल भाटिया को फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया व उनके आगामी होने वाले कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देने का भरोसा दिया। इस मौके पर IDA के डॉक्टर अतुल शर्मा, डॉक्टर प्रीति भाटिया, डॉक्टर VK शर्मा, डॉक्टर गौरव ठाकुर, डॉक्टर आशीष पसरीचा, डॉक्टर अमित अरोड़ा, डॉक्टर रोहित चौधरी, डॉक्टर श्रेया, डॉक्टर यशपाल, डॉक्टर नितेश जैन, डॉक्टर जावा, डॉक्टर बबीता, डॉक्टर जतिन ढींगड़ा, डॉक्टर सालू, डॉक्टर जतिन आर्या, डॉक्टर साक्षी, डॉक्टर उर्वशी, डॉक्टर मनप्रीत, डॉक्टर नीरू, डॉक्टर सुनील चांदना व डॉक्टर नीतीश भारद्वाज मुख्य तौर पर मौजूद रहे जिन्होंने बड़े बैनर हाथों में पकड़कर करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर तंबाकू का सेवन न करने का संदेश दिया।